आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल, हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म द ब्रिलियंट एकेडमी यूनिक एजुकेशन पर। मेरा नाम है विजय कुमार और मैं हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, नया लेक्चर लेके आया हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है द आर्टिकल्स। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं, कहाँ यूज होता है, कब यूज करना जरूरी है, कब यूज करना जरूरी नहीं है, आर्टिकल्स यूज करने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं और कौन कौन से एक्सेप्शन हैं आर्टिकल से रिलेटेड। चलिए हम एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं आर्टिकल्स को पढ़। तो गाइस, इस पूरे वीडियो के दौरान, इस पूरे लेक्चर के दौरान हमारा जो फोकस रहेगा, हमारा जो मोटिव रहेगा सीखने का, वो इन की पॉइंट्स पे रहेगा। हम बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है आर्टिकल्स की, मतलब आर्टिकल्स क्या होते हैं। डेफिनेशन से मेरा मतलब हुआ कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कहाँ यूज करना है इनको। फिर बारी आती है रूल्स टू यूज आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को कहाँ यूज करना है, किस प्लेस पे यूज होगा, किस प्रकार यूज होगा, क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है, उस बारे में बात करेंगे। और लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा हमारे लिए इसी टॉपिक के दौरान, इस लेक्चर के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वो ये रहेगा कि कहाँ पे अपने को आर्टिकल्स को ओमिट करना है। ओमिट करने से मतलब हुआ कि कहाँ पे अपने को आर्टिकल यूज नहीं करना है। भाई अपने को लगेगा ये कि यहाँ पे आर्टिकल यूज करना है जो बेसिक रूल्स है उनको फॉलो करते हुए, लेकिन उस जगह पे अपने को आर्टिकल ओमिट करना होगा, ओमिशन करना होगा आर्टिकल का, उस बारे में भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स की। अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, जनरल सी बात अपने को समझनी है, वो ये है आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स वो शब्द होते हैं जो डिफाइन करेंगे किसी नाउन को कि वो नाउन डेफिनिट है या इनडेफिनिट है, वो नाउन निश्चित है या अनिश्चित है। वो शब्द होंगे आर्टिकल्स जो किसी नाउन के बारे में बताएंगे कि वो डेफिनिट है इनडेफिनिट। जैसे समझो ये जो काउ वर्ड है, COW, काउ मतलब क्या, इट्स अ नाउन। इस नाउन के पहले अगर मैं अ वर्ड यूज करता हूं, इट्स नॉट ए, इट्स अ, अगर इसके पहले मैं अ वर्ड यूज करता हूं तो अ काउ, पहले गाय थी अब एक गाय हो गई, ठीक है। अब ये जो एक गाय है, इससे अपने को एक चीज पता चलती है कि ये गाय की बात हो रही है, बट दैट इज नॉट पर्टिकुलर काउ, दैट्स नॉट अ पर्टिकुलर काउ, ये कोई पर्टिकुलर काउ की बात नहीं चल रही है, विशेष गाय की बात नहीं चल रही। कहने का मतलब ये एक कॉमन काउ की बात हो रही है। इससे मतलब अपने को पता चलता है कि ये जो गाय है ये कोई विशेष गाय नहीं है, ये कोई निश्चित गाय नहीं है। तो यहां ये जो वर्ड है अ, दिस वर्ड अ इज एन आर्टिकल, ये एक आर्टिकल है। तो इस टॉपिक के दौरान अपने को यही पढ़ना है कि जो आर्टिकल्स होंगे वो डिफाइन करेंगे नाउन को कि वो नाउन डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। डेफिनिट का मतलब निश्चित होता है, लिख देता हूं, निश्चित का मतलब ऐसा मान लो पर्टिकुलर, निश्चित मतलब पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड, और इनडेफिनिट का मतलब हो गया अनिश्चित, ये हो गया आपके अनस्पेसिफाइड, नॉन पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये होते हैं आर्टिकल्स, जो ये ऐसे शब्द होंगे जो आपको नाउन के बारे में निश्चित या अनिश्चित होने का बोध करवाएंगे। फिर बारी आती है आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, ये इसी में डेफिनेशन में ही काउंट कर रहा हूं मैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं मेनली,
ठीक है, दो प्रकार के कौन से आर्टिकल हैं? एक डेफिनेट आर्टिकल है, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल है। अभी मैंने आपको जब ये डेफिनेशन बताई, इसी में मैंने बताया कि डेफिनेट दूसरा इनडेफिनेट, दो ही चीजें बता सकते हैं नाउन के बारे में ये, कि वो नाउन निश्चित है या अनिश्चित है। तो इसी बेस पे आर्टिकल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। आगे अगर हम इसका बाइफरकेशन करते हैं, पर ये तो इसका क्लासिफिकेशन है, पर असल में आर्टिकल्स कहते किसको है, कौन से हैं आर्टिकल जिनको अपने को नाउन के साथ यूज करना है। भाई नाउन के साथ में यूज होंगे तभी तो बताएंगे कि वो डेफिनेट नाउन है या इनडेफिनेट नाउन है। तो वो है कौन? तो याद रखिएगा, डेफिनेट नाउन डेफिनेट आर्टिकल में आता है टी एच ई, और इनडेफिनेट जो आर्टिकल है उसके अंदर आता है अ और एन। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेल से बात कर लेते हैं कि जब ये सेंटेंस में यूज होंगे, जब ये किसी नाउन के साथ यूज होंगे, तो एक तो इनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता होगा, ठीक है, दूसरी बात ये मीनिंग क्या देंगे, क्या इनका कोई फिक्स मीनिंग है। देखो आर्टिकल्स ऐसे वर्ड है जिनका सेंटेंस में जब आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन करोगे तो आपको कोई मीनिंग नजर नहीं आएगा, इसमें कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। आपने काउ बोल दिया, ठीक है, अकाउ बोल दिया, तो चलो ये तो एक का अर्थ दे रहा है। अब ये टी एच ई है, ये द है, ये इसका तो कोई मीनिंग भी नहीं आने वाला, ठीक है। फिर भी अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन की। इसके दो प्रोनाउंसिएशन पाए जाते हैं, एक तो द पाया जाता है, एक दी होता है, दा नहीं होता इसका प्रोनाउंसिएशन। कई लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, टी एच ई, या तो ये द होगा या ये दी होगी। अब ऐसा समझ लो कि अगर ये टी एच ई, हमने एक पहले टॉपिक पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि अगर किसी सुपरलेटिव डिग्री के पहले टी एच ई आता है तो उसको अपन कहते हैं दी, वहां उसका प्रोनाउंसिएशन अपन करते हैं दी, और बाकी सब जगह अपने को इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करना है, द प्रोनाउंस करना है इसको, ठीक है। दूसरी तरफ ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन अ करना है, इसका प्रोनाउंसिएशन अन करना है, अ अन, ठीक है, अन आर्टिकल, इतना भी नहीं अन, पूरा अन बोल, अन आर्टिकल, हल्का सा साउंड अ प्लस ए का मिक्स में आना चाहिए इसको प्रोनाउंस करने के लिए। वैसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अपन अपन अभी डीपली स्पीकिंग में जा भी नहीं रहे, अपन ग्रामेटिकली बात कर रहे हैं, इसको द बोलना है, इसको अ और इसको अन बोलना है, ठीक है। थोड़ा सा और समझते हैं अगर अपन इसके बारे में, तो द क्या है एक्चुअल में, यूज क्यों कर रहे हैं इसको। द जो अपने एक वर्ड होता है दैट, अपन किसी की तरफ इशारा करते हुए इंडिकेट करते हुए कहते हैं दैट, वो वह है, ठीक है। ये जो दैट है इसका वीक फॉर्म होता है टी एच ई द, That का वीक फॉर्म है टी एच ई द। इसका मतलब हुआ ये हल्का सा आपको मीनिंग वह का देगा। सुनिएगा, अ काउ लिखा मैंने तो एक गाय, द काउ लिखा, यहां तो इसका कोई मीनिंग नहीं, यहां तो आप अपने इसको डायरेक्टली गाय बोल सकते हो। अगर ये कहीं सेंटेंस में यूज होता तो इस द काउ को अपन क्या बोल देते, वो गाय। इसका मतलब ये वो जोड़ने से अपने को पता चला वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर काउ, हम एक विशेष गाय की बात कर रहे हैं। तो ये जो टी एच ई द है इट्स अ वीक फॉर्म ऑफ दैट। एंड ऑन द अदर साइड व्हेन वी टॉक अबाउट अ एंड एन, जब हम इसकी बात करते हैं अ और एन की, तो याद रखिएगा दीज टू वर्ड्स आर द वीक फॉर्म ऑफ वन, तभी तो आप इसको एक गाय बोलते हो, तभी तो आप इसको एक गाय बोलते हो। याद रखिएगा, अगर अपन बात करें कई कई बार तो अपन क्या है कि वन को अ से रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन हमेशा देखो जब अपन वन लिखा है तो इसका मतलब है हम उस गाय की पर्टिकुलर नंबर पे बात कर रहे हैं। हम जोर किस बात पे दे रहे हैं, गाय की संख्या पर जोर दे रहे हैं कि कितनी गायें हैं।
वन काउ एक गाय, तो वहां पे अपन ने उसको संख्यात्मक रूप से सोचा है, ठीक है। लेकिन यहां पर अ जो लगाया है अपन ने, जब इसका एक अर्थ दे रहा है, तो यहां अपन नंबरिंग को इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे हैं। हम इंपॉर्टेंट किस चीज को मान रहे हैं कि वो अ लगने से वो काउ एक इनडेफिनिट काउ हो गई, एक अनिश्चित गाय हो गई, ठीक है। ज्यादा और डीपली नहीं जाते हैं वरना कंफ्यूजन में रह जाएंगे अपन। हम तो इतना समझ लेते हैं कि टी एच की ये जो द है ये वीक फॉर्म है दैट का, और अन ये जो दो वर्ड है ये वीक फॉर्म है वन का। तो करीब करीब ये अपने आप ही आपके सेंटेंस में एक इसका मीनिंग देने लग जाएंगे। और ये भी करीब करीब हल्का सा वह, अपन वैसे वह बोलना नहीं है हर बार, लेकिन वह हल्का सा अपने को ये बोध करवा सकता है, ठीक है। तो ये तो मोटी मोटी अपने स्टडी कर ली कि भाई आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनेट के अंदर टी एच द आता है और इनडेफिनेट के अंदर ओ और एन आता है, और द द इज द वीक फॉर्म ऑफ दैट एंड एंड एन आर द वीक फॉर्म ऑफ वन। ये बात अपने कर ली इस डेफिनेशन वाले पॉइंट के अंदर। अब हम पता करते हैं कि इसको लगाना कहाँ है, कहाँ यूज करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक तो आर्टिकल जो आएगा आर्टिकल जो मेनली आएगा वो नाउन के पहले आएगा, आर्टिकल का यूज कहां होगा, बिफोर नाउन होगा, संज्ञा के पहले होगा, ठीक है। संज्ञा के बारे में जिसने नहीं पढ़ा हो, जिसको नहीं पता हो, हमारे पहले वाले वीडियोस देखें, पहले वाले लेक्चर्स देखें, उसके अंदर हमने काफी डिटेल में पढ़ा है नाउन्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से वर्ड होते हैं जो नाउन होते हैं, ठीक है। और उस नाउन के पहले अपने को यूज क्या करना है, आर्टिकल यूज करना है, सबसे मेन तो यही है। इसके अलावा ये आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन ये भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब दो अलग अलग वर्ड है एक नाउन को मॉडिफाई कर सकते हैं, आर्टिकल भी है और एडजेक्टिव भी है, ठीक है ना। तो अगर आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों आते हैं तो आपको आर्टिकल पहले लिखना है, उसके बाद में एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद में नाउन आएगी। ये हो गया प्लेस, इसकी पोजिशन होगी आर्टिकल की, आर्टिकल सेंटेंस में कहां यूज होगा, नाउन के पहले होगा। जिस नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट बताना हो अपने को, उस नाउन के पहले अपने को आर्टिकल का यूज करना है। अब बात करते हैं हम रूल्स टू यूज आर्टिकल्स के, आर्टिकल्स को जो यूज करने के नियम क्या है, कैसे यूज करें, कहां टी एच द आएगा, कहां अ आएगा और कहां एन आएगा, इसकी बात अपन कर लेते हैं, ओके। तो अपन ये जो आर्टिकल्स है इनके रिगार्डिंग जो रूल्स है उनकी शुरुआत कुछ इस प्रकार करते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे वी विल बी अ लिटिल बिट क्लियर कि भाई आर्टिकल्स को कैसे यूज करना है, कौन कौन से प्लेस हैं और क्या डिफरेंस रहेगा। एक तो हम अ अन यूज करते हैं, दूसरी तरफ अपन द यूज करते हैं। थोड़ा सेंटेंसेस को देखते हैं, मैंने कंपेरेटिव रूप से लिखा है इन सेंटेंसेस को, करीब करीब सेम लगेंगे सिवाय आर्टिकल्स के। तो अपन सबसे पहले इस एग्जांपल को देखते हैं, गिव मी अ हैमर। देखो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा इसको इजीली, सेंटेंस तो अंग्रेजी में लिखे हुए हैं लेकिन हम इसका जो मीनिंग्स है उस मीनिंग्स में क्या फर्क आएगा वो अपन चेक करते हैं। गिव मी अ हैमर, मुझे एक हथौड़ा दो। तो आपको ये जो आर्टिकल अ है ये आ ये यहां लगाने से अपन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफाइड हैमर। हम बिल्कुल क्लियर नहीं है कि जो हथौड़ा है वो कोई विशेष हथौड़ा है, ठीक है। आप मान लो कि जैसे लोहार की दुकान है, वहां पर तो ऑब्वियसली अलग अलग प्रकार के हथौड़े होते होंगे, ठीक है। एक लोहार है वो अपने असिस्टेंट से कहता है मुझे एक हथौड़ा दो, तो वो असिस्टेंट वहां पे क्लियर नहीं है कि कौन से हथौड़े की बात की जा रही है, किसी विशेष हथौड़े के बारे में उसको पता नहीं है। उसने कहा कि मुझे एक हथौड़ा दो, तो वो इतने सारे हथौड़े पड़े होंगे उनमें से कोई सा भी हथौड़ा दे सकता है। दूसरी तरफ गिव मी द रेड हैमर, मुझे लाल हथौड़ा दो,
ऐसा हथौड़ा, कोई हथौड़ा होगा जिसका हैंडल रेड हो, ठीक है, तो मुझे लाल हथौड़ा दो। इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ड TH जब मैंने यूज कर लिया, जब मैंने ये यूज कर लिया तो ये एक स्पेसिफाइड हथौड़े की बात होगी, एक विशेष पर्टिकुलर हथौड़े की बात होगी। पहले मैंने कहा एक हथौड़ा दो, तो डेफिनेट नहीं थी ये नाउन, यहाँ पे जो नाउन थी इनडेफिनिट थी, अनिश्चित थी कि हथौड़ा कौन सा। यहाँ पे मैंने रेड हैमर की बात की तो मतलब मैंने निश्चितता ला दी है, मैंने इसको डिफाइन कर दिया है THE 10, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, आई वॉन्ट टू बाई ए डॉग, मुझे एक कुत्ता खरीदना है, मैं एक कुत्ता खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। अब कुत्ता कोई सा भी हो सकता है भाई, जंगली कुत्ता हो सकता है, छोटा वाला कुत्ता हो सकता है, अलग अलग प्रजातियों वाला कुत्ता हो सकता है, कोई सा भी कुत्ता हो सकता है, डिफरेंट ब्रीड्स होती है, कोई सा भी कुत्ते की अपन बात कर सकते हैं। अभी यहाँ पे किसी पर्टिकुलर की फिट, किसी डिफाइन कुत्ते की बात नहीं चल रही, स्पेसिफाइड कुत्ते की बात नहीं चल रही। लेकिन अब ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, आई वॉन्ट टू बाई द डॉग विच इज ब्लैक इन कलर, मुझे वो कुत्ता खरीदना है, द डॉग, मुझे वो कुत्ता खरीदना है जिसका कलर क्या है, ब्लैक है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं एक स्पेसिफिक कुत्ते की, एक स्पेसिफाइड कुत्ते की बात कर रहा हूं, एक विशेष पर्टिकुलर कुत्ते की बात कर रहा हूं। तो देखा आपने, यहां अ था तो अनिश्चितता थी नाउन में, यहां द लगा दिया तो आपके अंदर निश्चितता आ गई कि किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष इंडिकेटिव नाउन की बात चल रही है। नेक्स्ट, मेरे पास में कोई बेटा है, ठीक है, बेटा है कोई पास में, किताबें पढ़ी है, मैंने कहा पास अ बुक टू मी, मैंने कहा एक किताब मेरी तरफ पास करो। यहां भी किसी पर्टिकुलर, किसी विशिष्ट बुक की है बात नहीं चल रही, ठीक है। बहुत सारी किताबें पढ़ी है, कोई सी भी किताब पास करने को आप कह सकते हो, पास अ बुक टू मी, मुझे एक किताब मेरी तरफ पास करो। यहां देखो पास दैट बुक टू मी, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, इसको अपन द लिख रहे हैं, पास द बुक टू मी, कि भाई मुझे वो किताब, मैंने कहा ना ये द है जो आपको मीनिंग देगा दैट का, हल्का सा वीक फॉर्म है ना, कि भाई पास द बुक टू मी, मैंने किसी किताब, पर्टिकुलर किताब की तरफ इंडिकेशन करते हुए, इशारा करते हुए मैंने कहा कि मुझे वो किताब दो। तो यहां पे अब की बार ये जो बुक है वो एक पर्टिकुलर बुक हो गई है, एक विशेष किताब हो गई है, वहां पे किताब कोई पर्टिकुलर नहीं थी, यहां पे एक विशेष किताब की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट देखो, आई जस्ट वॉच द मोस्ट पॉपुलर मूवी ऑफ द ईयर, दूसरी तरफ मैंने लिखा है आई जस्ट वॉच अ मूवी, मैंने अभी अभी एक मूवी देखी, आई जस्ट वॉच द मूवी, मैंने अभी अभी एक मूवी देखी, कौन सी मूवी, किसी पर्टिकुलर मूवी की बात नहीं कर रहा, ठीक है भाई। एक एक साल में 50 मूवी आई है, इस 50 मूवीज में से मैंने कोई सी भी एक मूवी देख ली, पर्टिकुलर नहीं है अ का प्रयोग करने से। लेकिन इस सेंटेंस को देखो, आई जस्ट वॉच द मोस्ट पॉपुलर मूवी ऑफ द ईयर, मैंने लिखा है कि मैंने अभी अभी कौन सी मूवी देखी है इस साल की, जो मोस्ट पॉपुलर तो एक ही होगी ना, मोस्ट पॉपुलर मूवी मैंने देखी, तो मैं यहां पे किसी पर्टिकुलर मूवी की बात कर रहा हूं। तो यहां पे द का प्रयोग करने से ये किस प्रकार की नाउन बन गई, ये जो मूवी है ये मूवी बन गई है आपके डेफिनेट मूवी हो गई है, एक पर्टिकुलर मूवी हो गई। और इसका लास्ट अपन एग्जांपल और देखते हैं, व्हेन आई वाज एट द जू, जब मैं चिड़ियाघर में था, आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। अब भाई देखो वहां पे 5 हाथी हो सकते हैं, 10 हाथी हो सकते हैं, एक से ज्यादा हाथी हो सकते हैं, मैंने उनमें से किसी एक हाथी को देख लिया, दैट एलिफेंट वॉज नॉट पर्टिकुलर, राइट। दूसरी तरफ, व्हेन आई वॉज एट द जू आई सॉ द एलिफेंट, मैंने अब की बार लिखा है द एलिफेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई चिड़ियाघर है, मैंने उसके अंदर उस हाथी को देखा। तो हो सकता है कि वहां पे चिड़ियाघर में केवल एक ही हाथी था, उस पर्टिकुलर हाथी की अपन बात कर रहे हैं। ऑल इन ऑल अपने को ये समझ में आता है कि अ और एन जो आर्टिकल है वो नाउन को इनडेफिनिट करते हैं, वो एक तो बताते हैं, वो ऐसा जरूर कहते हैं कि एक, लेकिन वो एक पर्टिकुलर नहीं है, वो एक विशेष नहीं है। मैंने कहा अ बुक,
एक किताब, मैं बात तो एक किताब की कर रहा हूं लेकिन वो एक किताब कौन सी है, दैट्स नॉट डिफाइंड, राइट। और दूसरी तरफ मैं बात करता हूं द की, तो ये जो इसको लिमिटेड वे में बताता है, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बताता है, पर्टिकुलर नाउन के बारे में बताता है कि भाई वो हथौड़ा या वो कुत्ता या वो बुक, विशेष साबित करता है, ये डेफिनेट कर देता है नाउन को। तो ये फर्क है, बेसिक सा फर्क है आर्टिकल जो है अन और दे में। अब हम पढ़ते हैं इनके रूल्स को कि इनको यूज कैसे करना है। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स को यूज करने के बेसिक रूल्स क्या हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रूल नंबर वन की। देखो हम इतना तो समझ ही गए हैं कि जो आर्टिकल आएंगे, चाहे वो अ हो, चाहे अन हो, चाहे द हो, आर्टिकल आएगा कहां, नाउन के पहले, ठीक है। इसके बारे में हम डैम श्योर है, हम एकदम क्लियर है कि आर्टिकल अ या अन है या चाहे द है, ये नाउन के पहले ही आएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब ये भी हम समझ लेते हैं कि अ और एन के जो बाद में नाउन आएगी वो किस प्रकार की नाउन होगी, और द के बाद में नाउन आएगी वो किस प्रकार की नाउन होगी। देखो भाई अ और एन है ना, ये जो वर्ड है इनसे तो अपने को मीनिंग ही एक का निकल रहा है, ठीक है। मीनिंग किस तरह का निकल रहा है, एक। और जब एक की बात आती है तो इसका मतलब वो नाउन किस प्रकार की होगी, सिंगुलर नाउन होगी। वो किस प्रकार की नाउन होगी, सिंगुलर नाउन होगी, वो एकवचन संज्ञा होगी। अब क्योंकि उसकी गिनती पॉसिबल है, भाई एक कर सकते हो, दो कर सकते हो, तीन कर सकते हो, इसका मतलब उसकी गिनती पॉसिबल है। और अगर उसकी गिनती पॉसिबल है तो इसका मतलब वो नाउन काउंटेबल नाउन है, ठीक है। थोड़ा अपन नाउन को वापस याद करते हैं। नाउन दो प्रकार की होती थी, काउंटेबल अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में कौन सी नाउन आती थी, अनकाउंटेबल में आती थी मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेटेरियल काउंट नहीं किए जा सकते, एब्स्ट्रैक्ट्स जो है आइडियाज हैं, फीलिंग्स हैं, ठीक है, उनको भी आप काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ उस अनकाउंटेबल नाउन के पहले, क्योंकि उनकी काउंटिंग ही पॉसिबल नहीं है। जब काउंटिंग पॉसिबल नहीं है तो आप नहीं बता सकते कि वो एक है या दो है या तीन है, ठीक है। आप शक्कर के बारे में, रेत के बारे में, पानी के बारे में, और ईमानदारी के बारे में, बेईमानी के बारे में, आप इन चीजों के बारे में एक दो तीन ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। जब आप एक दो तीन नहीं कर सकते उनके बारे में, आप उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, तो उनके पहले काउंटिंग में एक शो करने वाला आर्टिकल कैसे यूज कर सकते हो, दैट्स द पॉइंट। पॉइंट ये है कि भाई अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल का मतलब काउंटिंग पॉसिबल नहीं, काउंटिंग पॉसिबल नहीं मतलब आप ये नहीं बता सकते कि वो नाउन एक है, दो है, तीन है या सो ऑन, ठीक है। जब आप बता ही नहीं सकते उनके बारे में, तो उनके पहले एक को शो करने वाला आर्टिकल कैसे यूज होगा, तो ये अ और एन नहीं आएगा वहां पे अनकाउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगी उसके पहले अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन नहीं आएगा, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है अ और एन, और काउंटेबल नाउन भी किस प्रकार की होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। देखो जरा समझो कि सुगर है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब दिखने में कैसी दिख रही है, सिंगुलर ही दिख रही है भाई, लग तो सिंगुलर ही रही है, कोई एस या एस वगैरह जुड़ा हुआ है नहीं, उसको अपन पूरे पे एक यूनिट मानते हैं। लेकिन नाउन की नेचर क्या है, ये तो गिनती करने योग्य नहीं है ना, है तो अनकाउंटेबल ही, तो अनकाउंटेबल है, इसका मतलब आप असुगर या एन सुगर नहीं कह सकते, इसको एन तो कह रहा ही नहीं है, उसको असुगर नहीं कह सकते आप, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन उसके पहले अ और एन नहीं आ सकता। नाउन मान लो काउंटेबल है, नाउन अपन मान लेते हैं कि वो काउंटेबल है, जैसे कि बुक। अब किताब की तो गिनती पॉसिबल है, किताब तो गिनी जा सकती है, एक है, दो है, तीन है, काउंटेबल नेचर की है, ठीक है। बुक के साथ में तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर इसी को मैं काउंटेबल के अंदर इसको प्लूरल बना देता हूं, अगर मैं इसको बहुवचन बना दूं, तो आप यूज नहीं कर सकते।
आपको अ बुक्स लिखने का कोई ऑथराइजेशन नहीं है, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गई कि नाउन कैसी होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। अगर अनकाउंटेबल है तो उसके पहले अ और अन नहीं आएगा। दूसरी बात, चलो मान ली काउंटेबल है, काउंटेबल के अंदर प्लुरल और सिंगुलर दो प्रकार की नाउन हो सकती है, उसमें से होनी कौन सी चाहिए? सिंगुलर मतलब एक वचन होनी चाहिए भाई, ये तो मीनिंग ही एक का दे रहे हैं ना, इट्स द वीक फॉर्म ऑफ वन, राइट। ठीक है, दूसरी तरफ बात कर लेते हैं अपन द की, तो द के अंदर क्या है, काउंटेबल के साथ में भी आ सकती है, अनकाउंटेबल के साथ में भी आ सकती है, सिंगुलर के साथ में भी आ सकता है, प्लुरल के साथ में भी आ सकता है। आप बुक के पहले द लगा सकते हो तो एक पर्टिकुलर किताब की बात हो जाएगी, ठीक है। आप बुक्स के पहले भी द लगा सकते हो, मतलब कुछ पर्टिकुलर किताबों की बात हो जाएगी, ठीक है। तीसरी तरफ आप अनकाउंटेबल में तो सिंगुलर प्लुरल की बात ही नहीं आती, आप सुगर है तो उसके पहले द लगा सकते हो, वॉटर है तो आप उसके पहले भी द लगा सकते हो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि जो द नाम का आर्टिकल है वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लुरल किसी सीमा में नहीं रहता, वो किसी के भी पहले लग सकता है। बात इतनी सी है कि वो उसको वहां पे डेफिनेट बनाएगा, वो उसको स्पेसिफाइड बना देगा, वहां पे वो किसी विशेष किताब या किताबों के बारे में बता देगा, ठीक है। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए, इट्स द फर्स्ट रूल कि भाई अ और एन और द जो है इनका जो यूज होगा वो किस प्रकार की नाउन के साथ में होगा। अनकाउंटेबल नाउन है, प्लुरल नाउन है तो उनके पहले अ और एन नहीं आता, काउंटेबल और सिंगुलर नाउन है तो उसके पहले अ एन आ सकता है। वैसे दे है द तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लुरल सबके साथ में यूज किया जा सकता है। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं अपन, मान लो नाउन प्रॉपर है। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु का नाम, ठीक है। अब आप जानते हो राम, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। मिस्टर मेहता, अब ये मिस्टर मेहता जो वर्ड है ये किस प्रकार का वर्ड है? ये प्रॉपर नाउन ही है, ठीक है। क्या मैं इनके पहले अ एन द यूज कर सकता हूं? ठीक है, तो हाँ, आप यहां पे ये जो इनडेफिनिट आर्टिकल अ और एन है एक शर्त में यूज कर सकते हो, जब आप कहना चाहते हो कोई, ठीक है। जैसे मेरे को ऐसे समझो कि एक कोई बिजनेसमैन है ना, वो अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। उसका पियोन आता है और उसको कहता है कोई मिस्टर मेहता आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, कोई मिस्टर मेहता आपसे मिलना चाहते हैं, ये कहना चाहता है अगर वो पियोन, तो वो ये कह सकता है मिस्टर मेहता वॉन्ट्स टू मीट यू। मिस्टर मेहता वहां पे क्या होगा, वहां वो मीनिंग देगा कोई का, है तो अनस्पेसिफाइड ना, वो मिस्टर मेहता। वैसे प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन किसको शो करता है कि वो नाउन विशेष है, किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं वो प्रॉपर नाउन के अंदर आती है। राम नाम ले लिया तो इसका मतलब किसी विशेष व्यक्ति जिसका नाम राम है मैं उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन अ राम लगा दिया तो कोई राम, वो राम कौन है वो स्पेसिफाइड नहीं है। तो स्पेसिफाइड पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन के पहले जब इनडेफिनिट आर्टिकल यूज कर लिया जाता है तो वो प्रॉपर नाउन एक तरीके से इम्प्रॉपर नाउन ही बन जाती है, अनस्पेसिफाइड नॉट पर्टिकुलर नाउन बन जाती है। ये भी थोड़ा सा अपने को समझ लेना चाहिए। सो इट्स द फर्स्ट रूल टू यूज द आर्टिकल्स अ एंड दे, बाय अ एंड एन विल बी यूज्ड इन काउंटेबल नाउन्स, and that countable noun should be singular in nature. On the other hand, the article they should be used with countable noun, uncountable noun, maybe singular and maybe plural. तो अपने को ये थोड़ा सा समझना है articles के अंदर। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई
अ और एन जो है दो अपने आर्टिकल हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आते हैं। इस अ और एन को अपने को डिफरेंशिएट कैसे करना है, इसको कैसे यूज करना है, कहां पर अ आएगा कहां पर एन आएगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने दो छोटे से फॉर्मूले टाइप लिखे हैं यहाँ पे कि भाई देखो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो उसके साथ अ आ सकता है, उसके साथ एन आ सकता है। फर्क ये है कि एक बिगिन होना चाहिए कॉन्सोनेंट से, दूसरा बिगिन होना चाहिए वोवल से। इसको जरा समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले हमें हल्का सा अपने को लुक बैक करना पड़ेगा नाउन के बारे में। देखो, नाउन को बेसिकली अपन ने दो पार्ट्स में बांटा था। दो प्रकार की नाउन्स पाई जाती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल विच कैन बी काउंटेड इन नंबर्स, अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स। मतलब जिसको संख्यात्मक रूप से गिना जा सकता हो काउंटेबल में आ जाता है, जिसको संख्यात्मक रूप से नहीं गिना जा सकता हो वो अनकाउंटेबल में। पानी को संख्यात्मक रूप में नहीं गिना जा सकता, एक पानी, दस पानी, पांच पानी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ना ही शक्कर वैसे कहा जा सकता है, ना ही रेत को कहा जा सकता है, सीमेंट को नहीं कहा जा सकता, एंड अपने आइडियाज फीलिंग्स जो होती है उनको भी नहीं कहा जा सकता। तो समझना क्या है अपने को कि जो नाउन है अगर काउंटेबल है, मतलब जिसको संख्यात्मक रूप से गिना जा सकता है, एक तो उस वक्त ए और एन आएगा, ए और एन उसमें आ जाएगा। दूसरी चीज याद रखो कि केवल काउंटेबल होने से कुछ नहीं होगा, नाउन सिंगुलर भी होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए, एक को ही शो करना चाहिए। अगर एक से ज्यादा को शो कर रहा है तो फिर वो बन जाएगी प्लूरल, अगर वो प्लूरल बन जाएगी तो फिर अपना अ और एन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता जरा समझो, मैंने आप एकदम स्टार्टिंग में बताया था अ एंड एन, ये जो दो वर्ड हैं ये वीक फॉर्म है वन का। मतलब जब आप किसी नाउन के पहले और एन यूज करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको इनडेफिनिट वे में उसको सिंगल बताना चाहते हो, उसको एक बताना चाहते हो। तो जरूरी चीज क्या है अ और एन के आने की, जरूरी चीज ये है कि एक तो नाउन काउंटेबल होनी चाहिए, अनकाउंटेबल है तो अ और एन नहीं आएगा। मतलब जैसे कि वोटर आ गया तो इसमें सिंगुलर प्लूरल में जाना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके पहला अ और एन नहीं आ सकता, राइट? तो दो चीजें तो क्लियर हो गई कि सिंगुलर होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। जैसे काउंटेबल में मैं कह देता हूं बुक, अब बुक के पहले आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बुक्स कर दूं तो काउंटेबल नाउन तो है ये, लेकिन काउंटेबल में ये कौन सी है, ये प्लूरल हो गई, और अगर ये प्लूरल हो गई तो उसके पहले अ नहीं आ सकता। एक चीज तो ये कन्फर्म हो गई। तो दोनों ही स्थितियों में अगर सिंगुलर है और काउंटेबल है तो अ और एन दोनों के आने के चांस रहते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा अपने को आगे और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कब अ आएगा कब एन आएगा। तो इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है, वो कॉन्सोनेंट और वोवल्स की है। ये क्या होते हैं भाई? देखो, अपने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जब पढ़ा था, एकदम स्टार्टिंग अप जब अपन ने पढ़ा था, तब अपन ने बात की थी अल्फाबेट्स की। अल्फाबेट्स क्या होते हैं? अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 लेटर्स माने जाते हैं, एंड द सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ दीस 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, राइट? तो दीस 26 लेटर्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज वोवल्स एंड द सेकंड पार्ट इज कंसोनेंट्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वोवल्स। वोवल्स कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है भाई। अंग्रेजी में जो अल्फाबेट है जिसके अंदर 26 लेटर्स आते हैं, इन 26 लेटर्स को दो पार्ट्स में बांट दिया गया है, कॉन्सोनेंट्स में बांट दिया गया है और वोवल्स में बांट दिया गया है। अब वोवल्स कौन कौन से होते हैं? अ, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 वोवल्स के अंदर आते हैं। और ये जो 5 हैं, अगर इन 5 से कोई नाउन स्टार्ट हो तब अपने को अन का प्रयोग करना है, ठीक है। और इस इन 5 को छोड़ के बचे हुए 21 जो लेटर्स हैं उनमें से किसी एक से अगर नाउन स्टार्ट हो, बिगिन हो, तो वहां पे अपने को एन लगाना है उसके पहले, उस नाउन के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। जैसे समझो बुक था, किससे शुरू है? बी से स्टार्ट है, बी इनमें नहीं आता, मतलब बी कॉन्सोनेंट है, तो यहां पे आपको बुक लगाना पड़ेगा, ठीक?
ठीक है, इसकी जगह अगर आपने एग लिखा है तो एग किससे शुरू है, ई से शुरू है, ई एक वॉवल है, और अगर ये वॉवल है तो इसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। ये बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है, बात यहां तक होती तो ठीक था, लेकिन इस बात को थोड़ा सा और आगे अपने को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्शंस आर परवेसिव, एक्सेप्शंस हर जगह पाए जाते हैं, अंग्रेजी में सर्वव्यापी हैं, करीब करीब हर टॉपिक के अंदर, करीब करीब हर रूल का आपको एक एक्सेप्शन वाला रूल भी मिल जाएगा। तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि कई बार ऐसा होगा कि वो जो जो नाउन जिसके पहले आप अ और एन यूज करना चाहते हो, वो नाउन कई बार आपको मिलेगी शुरू कॉन्सोनेंट से, लेकिन उसके पहले आर्टिकल एन आएगा, और कई बार इसका उल्टा होगा, उस नाउन वो नाउन शुरू आपको वोल से मिलेगी लेकिन उसके पहले आर्टिकल अ आएगा। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए अपने को एक चीज पढ़नी पड़ेगी, वो ये पढ़नी पड़ेगी कि भाई केवल कॉन्सनेंट और वोल यही ऑल इन ऑल नहीं है, यही सब कुछ नहीं है, चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है साउंड, चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है साउंड। जो नाउन, जिस नाउन को आप मॉडिफाई करना चाहते हो, जिस नाउन के पहले आप अ और एन यूज करना चाहते हो, उस नाउन की स्टार्टिंग साउंड क्या है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वहां से साउंड क्या निकल रही है, अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो ही उसके पहले एन आएगा, अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट साउंड ना होकर वॉवल साउंड है तो उसके पहले आपको एन लगाना है, ना कि मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ आ जाएगा, और अगर वॉवल साउंड है तो उसके पहले एन आ जाएगा। ठीक है, जरा समझते हैं कैसे। देखो जैसे बहुत ही आसान शब्द है, ये मैंने एक वर्ड लिखा है यूनिवर्सिटी, शुरू किससे है, यू से स्टार्ट है, यू वोवल का आखिरी वोवल है अपने पास, पांच वोवल्स में से। जनरल अपना जो माइंड कहेगा वो ये कहेगा कि भाई आपने जो बेसिक रूल्स बताए हैं सर उनके अकॉर्डिंग तो यू है, उस वजह से इसके पहले क्या जाना चाहिए, आना जाना चाहिए। एम आई राइट? नहीं, ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही ये शुरू किससे है, यू से है, भले ही ये शुरू यू से है, बट जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो ये ए आ ई ई उ इसमें से आवाज नहीं देगी। भाई देखो, जैसे अंग्रेजी के अंदर वोवल्स हैं, वैसे ही हिंदी में भी वोवल्स आती है, वो जो पहले वाली लाइन है अपने अ आ ई ई जो भी लाइन है उनको अपन वोवल साउंड कंसिडर करते हैं, और बाकी जो क खगड़े से मिलके बनी है वो कॉन्सनेंट साउंड कंसिडर करते हैं अपन। तो ध्यान रखो कि ये यूनिवर्सिटी किया जा रहा है, इसको अपन प्रोनाउंस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, इसको यूनिवर्सिटी नहीं कह रहे अपन, यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, क्योंकि ये से मिलके बना है, तो इसका मतलब इसका जब प्रोनाउंसिएशन है तो वो जो साउंड है वो साउंड वोवल साउंड नहीं है, वो साउंड कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अ यूज करना पड़ेगा, भले ही उसकी स्टार्टिंग किसी वोवल से क्यों ना हो रही हो। ठीक है, ऐसे ही देख लो, दूसरी तरफ अगर अपन चले तो मैंने लिख दिया ये वर्ड, ठीक है, अब स्टार्टिंग इससे है, एच से है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो भाई आपको यूज करना चाहिए अ, यूज करना चाहिए कॉन्सोनेंट का, आपको क्या यूज करना चाहिए, अ यूज करना चाहिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि इसकी साउंड क्या निकल रही है, ये ऑनेस्ट है, होनेस्ट नहीं, ओ है ना, तो हिंदी के अंदर ये आप इसको वोवल साउंड मानते हो। ठीक है, एस तो अंडरस्टूड है, यहां पे एस तो केवल लिखा हुआ ही है, बाकी इसका प्रोनाउंसिएशन तो नहीं हो रहा ना, ये साइलेंट लेटर है यहां पे। ठीक है, साइलेंट लेटर होने की वजह से इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होनेस्ट के बजाय ऑनेस्ट हो रहा है,
क्योंकि इसका प्रोनंसिएशन ओ हो रहा है, तो ये साउंड कौन से साउंड दे रहा है, वोल साउंड दे रहा है, तो आपको इसके पहले क्या यूज करना पड़ेगा, अन यूज करना पड़ेगा, इसके पहले क्या था, अ यूज कर रहे थे अपन। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट बेसिक जो रूल है वो ये कह रहा है कि आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन वो भी बिगिन किससे होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट से होनी चाहिए, तो आप अ लगा दो, अगर वो वोवल से हो रही है तो आप अन लगा दो। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि तीसरा और चौथा रूल भी लागू होगा, वो ये होगा वो ये होगा कि भाई कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ आएगा और वोवल साउंड है तो एन आएगा। आई होप ये जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं, जो फर्स्ट मैंने जो रूल बताया है यही रूल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, इतना अपने को हाईली समझने की जरूरत भी नहीं है। बेसिक है यार भाई कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है तो अ लगा दो, अदरवाइज एन लगा दो, वोवल से हो रही है तो अच्छा वहां भी अगर दिक्कत है तो साउंड पे चले जाओ, अगर साउंड आ रही है वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ लगा दो, वोवल साउंड है तो एन लगा दो, सारा टंटा खत्म हो जाएगा। कि भाई अपने अक्षर देखें 26 लेटर्स है उसमें से कॉन्सोनेंट है या वोवल है, साउंड देखो ना आप, तो बेसिकली साउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन तो साउंड की वजह से पैदा हो रहा है। ठीक है, ये था कि आपको अ और एन कहां यूज करना पड़ेगा। मैं पहले ही समझा चुका हूं कि प्रॉपर नाउन है, यहां नाउन से मेरा मतलब एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन, एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन। काउंटेबल के अंदर तीन नाउन्स होती है, एक तो प्रॉपर होती है, एक कॉमन होती है, कलेक्टिव होती है। आप कलेक्टिव ले सकते हो, आप कॉमन ले सकते हो, आपको प्रॉपर नाउन नहीं मानना इसको। प्रॉपर नाउन के पहले अ और एन का प्रयोग नहीं किया जाता, अगर किया जाता है तो वो प्रॉपर नाउन एक उस जो प्रॉपर नाउन को भी उसको उल्टा दे देगा, वो निश्चितता से अनिश्चितता में बदल देगा। ठीक है, पर्टिकुलर को भी नॉन पर्टिकुलर बना देगा वो, तो ये अपने को थोड़ा सा समझना है ए और एन के प्रयोग के अंदर ये फर्क है। ठीक है, इसके साथ एक और बात आती है, भाई ये तो अपन ने पढ़ लिया, इसके अलावा एक और आती है कि कई बार क्या होता है अपने सेंटेंस के अंदर जिस नाउन को अपने को जिस नाउन के पहले अपने को आर्टिकल यूज करना होता है वो नाउन असल में एक्रोनिम दे रखी होती है। एक्रोनिम क्या होती है, एक्रोनिम ऐसे वर्ड होते हैं जिनको जैसे कोई नाउन होती है उसको शॉर्ट में लिखा हुआ हो वो एक्रोनिम होगा। कैसे, जैसे ये वर्ड दे रखा है MLA। ठीक है, अब असल में ये वर्ड था तो कुछ ऐसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा का कोई सदस्य, मतलब विधायक हो गया। अब ये तो फुल नाउन है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर ये पूरा देर का होता जैसे आप कहते हैं कि राम इज, और यहां पे आपको डैश डैश में आपको यहां पे अगर यूज करना होता है क्या आर्टिकल, तो सीधी सी बात है आप अ लगाते, राम इज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, राम एक एमएलए है, राम एक विधानसभा का सदस्य है, मतलब विधायक है। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह अगर मैं शॉर्ट में एमएलए यूज करूं तो याद रखिएगा अब इसकी क्या साउंड है उसके आधार पर ही आपको क्या यूज करना है, आर्टिकल यूज करना है। साउंड देखो, शुरुआत में आप तो क्या रखा है एम, एम होता क्या है, होता तो कॉन्सोनेंट है, उस हिसाब से तो क्या आना चाहिए अ आना चाहिए। लेकिन एम एल ए की साउंड, एम में ए आता ना पहले, एम में भी तो ए आता है एम, तो ये साउंड कौन सी हो गई, वोवल साउंड हो गई। अगर ये वोवल साउंड है तो इसके पहले आपको अ के बजाय एन लगाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि ये जो मैंने चार रूल्स बताए ये सेम टू सेम रूल्स लागू होंगे अगर अपने को जो नाउन दे रखी हो वो एक्रोनिम दे रखी हो तो,
शॉर्ट वर्ड जो होता है किसी बड़े वर्ड का उसको एक्रोनिम बोलते हैं, अगर वो एक्रोनिम दे रखा है तो उसके ऊपर भी यही रूल लागू होगा। ठीक है, जैसे मैं अभी दे रखा है PTI, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, अगर ये दे रखा है तो है शॉर्ट फॉर्म, P से शुरू है, साउंड भी P से ही आ रही है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड ही आ रही है, तो सीधी सी बात है अ लगा दिया। और दूसरी तरफ MLA में देखें तो ये भी एक्रोनिम ही है। अच्छा, दे भी M दे रखा है, वर्ड जो शुरू है वो तो है तो कॉन्सोनेंट लेटर से ही, लेकिन उसकी जो साउंड है वो वोवल है, और अगर साउंड वोवल है तो अपने को वही अपने को यूज करना पड़ेगा, वोवल के लिए काम आने वाला ही आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे क्या है, अन है। तो ये भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो यहां तक अपन ने बात कर ली है होल एंड सोल किसकी, अ और एन की। अब हम बात करते हैं द आर्टिकल। द जो है उसके बारे में एक चीज तो अपने को पता चल गई कि वो डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, ये जिस नाउन के पहले यूज किया जाएगा उस नाउन को डेफिनेट कर देगा, निश्चित बना देगा, पर्टिकुलर बना देगा, स्पेसिफाइड बना देगा। यहां तक तो ठीक है, ये तो एक बेसिक सी बात है। दूसरी बात, इसमें अ और एन के जैसे रूल नहीं है, ये उन बाउंडेशन में नहीं बंधा हुआ कि भाई साउंड क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है उस नाउन का, वैसा उसमें कुछ होता ही नहीं। दूसरी बात, द का सबसे अच्छी बात यह है कि इसको नाउन चाहे काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, कोई सी भी नाउन हो उसके पहले यूज कर सकते हैं। बात इतनी सी है कि जब इसको यूज कर लिया जाएगा तो वो नाउन पर्टिकुलर बन जाएगी, फिक्स बन जाएगी। तो पहले तो मैं लिख देता हूं कि जो द है काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ में ये आपके आ जाएगा, वो सिंगुलर भी हो सकती है, वो प्लूरल भी हो सकती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया, अपन थोड़ा इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। गिव मी द बुक, मुझे वो किताब दो। ठीक है, यहां एक पर्टिकुलर किताब की बात चल रही, एक किताब है, किसी विशेष किताब की बात कह रहा हूं, सिंगुलर है, काउंटेबल भी है। गिव मी द बुक्स मतलब किताबें दो, मुझे वो किताबें दो। अब इसमें भी बात किसकी चल रही है, बात तो काउंटेबल नाउन की, लेकिन अब की बात नेचर कैसी है उसकी, अब की बात उसकी नेचर प्लूरल है, प्लूरल में भी आ सकता है, काउंटेबल में भी आ सकता है। और जब बात अनकाउंटेबल की आती है तो सीधी सी बात है, अनकाउंटेबल नाउन में तो अपन प्लस को एस या एस जोड़ के वैसा कुछ करके उसको अपन सिंगुलर प्लूरल बनाते ही नहीं है। ठीक है, आप चाहो द वॉटर इज प्रेशियस, पानी बहुत कीमती है, यहां वॉटर के पहले आप चाहे तो द यूज कर सकते हो। वैसे जनरल रूल तो ये कहता है कि अनकाउंटेबल जो नाउन है उसके पहले अपने को आर्टिकल यूज करना ही नहीं चाहिए। आप इसको वॉटर इज प्रेशियस लिखते हो तो भी सही है, हाँ अगर आपने द वॉटर इज प्रेशियस लिखा है तो भी ठीक है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। समझना ये है कि भाई जो द आएगा वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के पहले यूज किया जा सकता है। और कहां आता है, ये तो ठीक है, और कहां आता है, एक जनरल रूल ये कहता है कि कोई
इस संसार में कोई ऐसी चीज हो जो यूनिक हो और यूनिवर्सल हो, जैसे एग्जांपल के लिए सन, ठीक है। अब ये सन यहां पे रिक्वायर करता है एक आर्टिकल की। अब आप इसके पहले अ तो नहीं लगा सकते कि अ सन, एक सूर्य, वैसा तो नहीं कह सकते क्योंकि सूर्य तो अपने लिए तो एक ही है, ये यूनिवर्सल है, ये यूनिक है, तो इसके पहले आप भी एच ई लगा सकते हो। दुनिया में जो यूनिवर्सल और यूनिक चीजें होती हैं आप उनके पहले द यूज कर सकते हैं, द यूज उनके साथ नॉर्मली किया जाता है। ये द की बात आ गई, ठीक है। जनरली ऐसा समझो कि भाई अ और एन है उसमें इतना सा है कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज की जाती है, अ और एन जो आर्टिकल्स हैं वो, और जो आर्टिकल द है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल सिंगुलर एंड प्लुरल दोनों नेचर की जो नाउन्स हो सकती है उनके साथ में काम में लिया जा सकता है। और द को कहां यूज कर सकते हैं, और द को अपन यूनिक और यूनिवर्सल चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, उनके पहले यूज कर सकते हैं। तो ये अपना तो बेसिक था कि आर्टिकल्स कहां यूज किए जाते हैं। थोड़ा सा ये जो द आर्टिकल है इसको एक बार और देख लेते हैं, कई बार अपने को कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने कुछ चीजें लिखी है उनसे समझ लेते हैं। मैंने लिखा है यूज द बिफोर एंड डोंट यूज द बिफोर, मतलब मैंने जो नीचे चीजें लिखी है अगर इनमें से कोई हो तो उसके पहले आप द यूज कर सकते हो, यहां जो मैंने लिखी है इनके पहले आपको द यूज नहीं करना है। देखो, देश का नाम है, कंट्री का नाम है, उसके पहले द नहीं लगाना। इंडिया, अमेरिका, ठीक है, जापान, इनके पहले आपको द यूज नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर इनसे, इनके साथ मान लो कि इन आदमियों से, या ये क्या, ये जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज से अगर आप प्रॉपर नाउन बनाते हो, इन कंट्रीज से, कंट्रीज तो खुद ही प्रॉपर नाउन है, इनसे अगर आप कोई एडजेक्टिव बनाते हो, जैसे समझो कि जापान है, ठीक है, जापान का अपने जापानीज बनाया, तो ये जो जापानीज है, अगर जापानीज दो दो चीजों को शो करेगा, आपके जापानीज, जापानीज आपके लैंग्वेज को भी शो करेगा, जापानी भाषा, और जापानीज और किसको शो करेगा, वहां के लोगों को भी शो करेगा, उस कम्युनिटी को भी शो करेगा। अगर वो लैंग्वेज को शो करना है तो उसके पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। अगर वो उस कम्युनिटी को शो कर रहा है, उन लोगों को शो कर रहा है, तो वहां पे आप द का प्रयोग कर सकते हो। छोड़ो, उसको अलग से बात करेंगे उसके बारे में। अभी ये समझ लो, कंट्रीज के पहले सिटीज के पहले, और सिटीज के अंदर जो गलियां पाई जाती है, देश देश में पाई जाती है, शहर शहर में पाई जाती है गलियां, इनके पहले आपको द नहीं लगाना, ठीक है। जिले हैं कोई, ये खाड़ियां वगैरह है, बंगाल की खाड़ी है जैसे, तबे और बंगाल, तो इसके पहले आपको द नहीं लगाना, आप उसको बे ऑफ बंगाल, बंगाली हो गया, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और माउंटेन्स है, पर्वत वगैरह, हिमालय है जैसे, तो द हिमालय लगाने की जरूरत नहीं है, आप हिमालय कह सकते हो। कॉन्टिनेंट्स है, आइलैंड्स है, द्वीप है, द्वीप समूह है, कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, ये जो है इनके पहले भी आपको द लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर महासागरों के नाम है तो उसके पहले आपको द लगाना है, ठीक है। समुद्रों के नाम है उसके पहले भी आपको द लगाना है। नदियों का नाम है, गंगा नदी है, जमुना नदी है, उनके पहले आप द लगा सकते हो। रेगिस्तानों के नाम है, डेजर्ट के नाम है, द सहारा, ठीक है, उनके पहले भी आप द यूज कर सकते हो। एक छोटा सा कंपैरिजन था कि यहाँ यहाँ आप द यूज कर सकते हो और यहाँ आप द यूज नहीं कर सकते, इनके पहले द आ जाएगा, इनके पहले तो द नहीं आएगा, इनके पहले द आएगा, ये थोड़ा समझना जरूरी है। तो यहां तक अपने ये क्लियरेंस मिल जाती है अपने को कि अ कहां यूज करना है, एन कहां यूज करना है, और द कहां यूज करना है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर अपने को किसी भी आर्टिकल को यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो अपन उसकी बात करते हैं कि कहां अपने को आर्टिकल द यूज नहीं करना। चलिए बात करते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब अपने को आर्टिकल यूज नहीं करना हो, या कुछ ऐसा हो जाए कि वहां पे आर्टिकल यूज करना जरूरी नहीं हो, उसका मीनिंग है वो इंप्लाइड हो जाए, उसका जो अर्थ है वो सारगर्भित रह जाए उसी नाउन के अंदर जहां अपने को जरूरी नहीं लगता कि वहां पे आर्टिकल, तो उस टर्म को अपन जीरो आर्टिकल भी कह सकते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल या जीरो आर्टिकल, देखो कौन कौन सी जगह है जहां पे अपन आर्टिकल ना यूज करें तो चल जाएगा, ठीक है।
एक तो मैंने आपको कहा कि शुरू में बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है अनकाउंटेबल, देखो अ और एन जो आर्टिकल है वो तो अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसके पहले वैसे भी यूज नहीं किया जाता। हाँ उनके साथ जैसे एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल के साथ द यूज किया जा सकता है, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि ये आपको कंपलसरी नहीं है वो लगाना, वहां पे आप वहां पे आर्टिकल को ओमिट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको वोटर का उदाहरण दिया, तो वोटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप वोटर को स्पेसिफाइड बनाना चाहते हो तो द लगा दो, अदरवाइज वोटर इज ए कॉमन एलिमेंट, ठीक है अनकाउंटेबल नाउन में आता है, वहां पे आप ना यूज करो उसके पहले कोई आर्टिकल तो भी चल जाएगा। दूसरी बात प्लूरल, अब प्लूरल नाउन में क्या है, सेम बात है, मैंने देखो अ और एन पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके पहले ही आएगा अ और एन, अ और एन का ये प्लूरल हुआ तो वैसे भी नहीं आना। फिर बारी आती है अगर क्या इन प्लूरल नाउन्स के पहले अपन द यूज कर सकते हैं, द यूज कर सकते हैं सिवाय एक बात के, अगर उस नाउन को अपन ने कॉमनली यूज नहीं किया हो तो, अगर अपन ने वहां पे उसको कॉमनली यूज नहीं किया हो तो आप उसको वहां पे यूज कर सकते हो स्पेसिफाइड वे में। जैसे मैं समझाता हूं, वन ऑफ मैंने ये सेंटेंस लिखा, वन ऑफ खाली जगह विमन विमन इज स्टिल प्रेजेंट हियर, एक जगह है वहां पे पहले 15-20 औरतें आई थी, उन औरतों में से एक औरत अभी भी उस जगह पर है, मैं ये कहना चाहता हूं। तो देखो यहाँ पे जो विमन वर्ड है ये प्लूरल नाउन है, बहुवचन में आ रहा है एक से ज्यादा औरतें, लेकिन मैं किसी एक पर्टिकुलर विशेष औरत की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे उसको द को यूज कर सकता हूं, बाकी प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। फिर बारी आती है प्रॉपर नाउन्स, इनके बारे में मैंने बता दिया, भाई व्यक्ति का नाम है प्रॉपर नाम है तो उसके पहले आपको कोई भी आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैंने साथ में आपको यह भी कहा था कि प्रॉपर नाउन के पहले अगर आपने अ या एन यूज कर लिया है, अगर प्रॉपर नाउन के पहले आपने अ या एन यूज किया है तो वो प्रॉपर नाउन जो पहले पर्टिकुलर व्यक्ति को शो कर रही थी वो फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं बताएगी, ठीक है। जैसे मैं किसी को कोई बात बता रहा हूं, मैंने कहा जैसे मैंने लिखा अ मिस्टर श्याम केम टू मीट मी लास्ट नाइट, अगर मैं अ को यूज नहीं करता तो ये मिस्टर श्याम कोई विशेष व्यक्ति थे, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति थे जिनको मैं जानता हूं, एक किसी विशेष खास व्यक्ति को शो करता है जिसके बारे में मुझे नॉलेज है कि भाई वो मिस्टर श्याम थे जो पिछली रात कल रात मेरे से मिलने आए थे, लेकिन अगर मैंने इनके पहले अ लगा दिया तो यही मिस्टर श्याम ऐसे मिस्टर श्याम हो गए जिनको मैं जानता ही नहीं हूं, कि कोई मिस्टर श्याम आए थे, अब वो कोई कौन है इट्स नॉट क्लियर, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन थी जो पर्टिकुलर उसको नॉन पर्टिकुलर बना दिया इस ने, बाकी प्रॉपर नाउन के पहले आपको आर्टिकल को ओमिट करना है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर कई बार ऐसी नाउन्स भी आ जाती है जिनके पहले अपने को यूज करने की जरूरत नहीं है, देखो वैसे एम ए एन मैन आदमी है, इसके पहले आप द लगा सकते हो, आप अ भी लगा सकते हो, द या दोनों पॉसिबल है, लेकिन अगर इसी नाउन मैन को मैं ब्रॉडेस्ट सेंस में यूज करूं, ब्रॉडेस्ट सेंस में यूज करने का मतलब हुआ मैंने मैन से किसी पर्टिकुलर मैन के बारे में नहीं बल्कि पूरी आदमी जाति के बारे में कहा है, जैसे जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल, तो इसमें आप ध्यान दो कि भाई एम ए एन ये जो आदमी है मैं किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रॉडेस्ट सेंस में पूरी आदमी जाति को मैं कवर कर रहा हूं, सबके लिए ये मैन काम में आ रहा है। तो यहां पे आप किसी भी आर्टिकल को लगाना जरूरी ना समझे, आप यहां पे ओमिट कर सकते हो
आर्टिकल को, ठीक है। फिर लैंग्वेजेस, अगर लैंग्वेजेस का नाम है, ये भी मैंने आपको बताया था, मैंने जापान से जापानीज का उदाहरण दिया था। अगर जापानीज अगर व्यक्तियों के समूह को यूज कर रहा हो तो आप वहां पर यूज कर सकते हो, ठीक है। उन्हीं जापानीज में से किसी एक व्यक्ति के बारे में तो भी उसको आप जापानीज कह सकते हो, लेकिन अगर वही जापानीज लैंग्वेज को शो कर रहा है तो उसके पहले आपको कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जापानीज इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, जापानीज भाषा जो है वो कैसी भाषा है, एक कठिन भाषा है, तो आप वहां पे कोई भी आर्टिकल ना लगाए तो चल जाएगा। सेम ऐसे स्पोर्ट्स का नाम, अगर खेलों के नाम है उनके पहले भी आपको कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती। और ऐसे ही एकेडमिक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ऐसे जो सब्जेक्ट्स है इनके पहले भी आपको कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये अपना आता है, ये अपना पॉइंट क्लियर होता है कि भाई कहां पे अपना आर्टिकल्स को ओमिट कर सकते हैं, कहां पे जीरो आर्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टॉपिक के दौरान अब की बार हमने क्या क्या सीखा है, इस बार हमने सीखा है आर्टिकल्स क्या होते हैं, कहां यूज करते हैं, आर्टिकल्स को यूज करने के रूल्स क्या है, ठीक है, कहां अ आता है, कहां एन आता है, कहां द आता है, कौन सी खास बातें हैं, और लास्ट में जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिसके अंदर अपन आर्टिकल्स को ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इसी के साथ अपना ये जो आर्टिकल जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये छठवां टॉपिक है जो मैंने छठवां या सातवां जो भी हो ये जो टॉपिक है मैंने पढ़ाया है। करीब करीब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और ये आर्टिकल्स। इसके बाद में कुछ और अब अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो मैं नए लेक्चर्स नेक्स्ट वीडियोज के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आगे ऐसे वीडियोज, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे लेक्चर्स के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। आगे की वीडियो तक के लिए धन्यवाद।